महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। दरअसल वाशिम जिले में बुधवार को 318 नए मरीज मिले हैं। खास बात तो यह है कि नए मरीजों में 190 छात्र शामिल हैं। इसी के साथ वाशिम जिले के रिसोड़ तहसील के देगांव स्थित एक स्कूल के हॉस्टल में 190 छात्रों के पॉजिटिव पाए जाने से खलबली मच गई है। बताया जा रहा है कि रिसोड़ तहसील के ग्राम देगांव स्थित निवासी आश्रमशाला में छात्र पढ़ने के अलावा यहीं पर स्थित हॉस्टल में रहते थे। बुधवार को इस हॉस्टल के 190 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हॉस्टल में रह रहे सभी छात्र अमरावती जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत अमरावती से ही हुई है। साफ देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे प्रचंड होती जा रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 8,807 नए मरीज मिले हैं। यह 18 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा आंकड़ा है। राज्य में बीते 24 घंटे में 80 मरीजों की मौत हुई है। यह बीते 56 दिनों में सबसे ज्यादा मौतें हैं। इससे पहले 30 दिसंबर को 90 संक्रमित ने दम तोड़ा था। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना विदर्भ के शहरों और मुंबई में तेजी से पांव पसार रहा है। कल मुंबई ने 119 दिन बाद 1,000 केस का आंकड़ा पार किया है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,166 केस आना हड़कंप मचा देने वाला है। पिछले साल 18 अक्टूबर के बाद से पहली बार इतने ज्यादा मामले आए हैं। इसके अलावा धारावी में भी एक महीने बाद नए केस आने का आंकड़ा दहाई अंक पर पहुंच गया है। मुंबई के बाद सबसे गंभीर हालत अमरावती की है। बुधवार को यहां 802 केस आए हैं और 10 लोगों की मौत हुई है। मंगलवार को 926 केस आए थे और 6 लोगों की मौत हुई थी। बढ़ते संकट के बीच अमरावती में तो लॉकडाउन लगाया जा चुका है। इस समय छोटी सी लापरवाही भी बड़ी घातक वार करेगी। मुंबई और अमरावती के बाद पुणे में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पुणे में बुधवार को 743 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इसे देखते हुए पुलिस महकमा अब ज्यादा सतर्क है। कोरोना के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए पुलिस अभियान चला रही है। लोगों को आगाह किया जा रहा है कि खतरा दोबारा आपके द्वार पर दस्तक दे चुका है। फिलहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस मामले से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द हिंदुस्तान मिरर। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है? क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके चक्के? राजनीति में क्या हो रही है उठापटक? किसने किस पर कसा तनी? अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाएं द हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।